स्वागत है आपका हिंद टीवी में और मैं आपके साथ उमंग। कर्नाटक के हिजाब विवाद में अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पहले सीएम बोमई ने यूनिफॉर्म के नियम को लागू करने की बात कही और अब अगले 3 दिनों तक राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर बढ़ रहे इस विवाद को जानने के लिए देख लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब में एंट्री दिए जाने के समर्थन में चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने सभी कॉलेजों और हाई स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने अगले 3 दिनों के लिए सभी कॉलेजों और हाई स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस मामले से जुड़े सभी लोगों से उम्मीद की जाती है कि वह भी इसका सहयोग करेंगे। बता दें कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब में एंट्री लेने के लिए मुस्लिम छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। अब मुस्लिम छात्र भी सड़क पर उतर आए हैं। इसके विरोध में जो हिंदू छात्र छात्राएं भगवा शॉल या स्कार्फ में आ रहे हैं तो उनका विरोध किया जा रहा है। शिमोगा में हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्रों ने कॉलेज पर पत्थरबाजी की। इसके बाद वहां धारा 144 लगा दी गई है। बता दें कि वहां मुस्लिम और हिंदू छात्रों के बीच झड़प के वीडियोस भी सामने आए हैं। कर्नाटक के कई इलाकों में स्कूलों में हिजाब पहनकर आने के विरोध में भगवा शॉल के साथ प्रदर्शन करने के लिए निकले हिंदू छात्रों के साथ बदतमीजी भी की गई और उन्हें धमकाया गया। हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। सभी की नजरें वहां टिकी हुई है। उधर उडुपी के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हिजाब पहनकर प्रदर्शन कर रही छात्राओं के जवाब में भगवा गमछा में छात्रों ने प्रदर्शन किया। कुछ छात्राएं महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज परिसर में हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, तभी वहां छात्रों का एक समूह पहुंच गया। भले ही इस विरोध प्रदर्शन को हिजाब के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्रा हिजाब में स्कूल में जाकर प्रदर्शन भी कर रही है। इससे ऐसा लगता है कि इसे छात्रों तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसके पीछे इनके घर वालों का भी हाथ है। ऐसे भी इस विवाद की शुरुआत में विधायक और मंत्री ने भी लड़कियों के घर वालों से बात की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और इसे धर्म के खिलाफ सरकार के आदेश के तौर पर प्रचारित किया गया, जिसके कारण इसके ऊपर राजनीति होने लगी है। जनवरी से शुरू हुए इस विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस भी मैदान में कूद गई है और मुस्लिमों की भावनाओं को बढ़ाकर इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अगर इसे केवल न्याय की लड़ाई के तौर पर देखा जाता तो कोर्ट के रास्ते इसका समाधान निकालने का इंतजार किया जाता, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले हंगामा करना और हिंसा फैलाना इसके पीछे के मकसद को दिखा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।